हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक मैन सुरेश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की 1.5 टन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला पिकअप के बारे में, जो कि दोस्तों टाटा इंट्रा V50। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इस गाड़ी का डिटेल, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, पेलोड कैपेसिटी और इस गाड़ी का कुछ हाईलाइट फीचर्स के बारे में। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यदि आपको इसी तरह का गाड़ियों के रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के ओवरऑल लुक्स और डिजाइन के बारे में। इसका लुक्स और डिजाइन दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा विंडशील्ड। उसके साथ इसमें आपको 2 वाइपर्स भी देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में दोस्तों इंट्रा पिकअप का स्टाइलिश क्रोम फिनिश में बैजिंग, जबकि लेफ्ट साइड में आपको V50 का क्रोम फिनिश में बैजिंग देखने को मिल जाता है। सेंटर में दोस्तों टाटा मोटर्स का क्रोम फिनिश में लोगो, और उसके साथ इसमें आपको एक बड़ा सा क्रोम पैनल भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिलता है। लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको काफी बड़ा सा हैलोजन बल्ब टाइप हेडलाइट्स देखने को मिलता है, और ऊपर है दोस्तों मल्टी फंक्शनल टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पर आपको एक बहुत यूनिक स्टाइल का आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर है दोस्तों फॉग लैंप लगाने के लिए स्पेस। इसमें आपको प्री इंस्टॉल फॉग लैंप देखने को नहीं मिलता है, अब चाहे तो इसको बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। पीछे दोस्तों आपको यहाँ पर टाटा का बड़ा सा बैजिंग देखने को मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में है इंट्रा पिकअप का काफी अट्रैक्टिव क्रोम फिनिश में बैजिंग। और सेफ्टी के लिए दोस्तों इसमें आपको 2 रिवर पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पर आपको लगा हुआ देखने को मिल जाएगा इसका स्पेयर टायर। और यह दोस्तों अभी टाटा इंट्रा का न्यू स्टाइल का दोस्तों टेल लाइट्स। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिलता है। और साइड प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, साइड में आपको कहीं पर भी और कोई ग्राफिक्स या फिर बैजिंग देखने को नहीं मिलता है। टायर से दोस्तों बात करें तो इसमें आपको 15 इंच का टायर दोस्तों लगा हुआ देखने को मिलता है। इसका साइज है दोस्तों 215x75R15 टायर्स। सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, इसमें फ्रंट में आपको मिलता है पैराबोलिक स्प्रिंग, जो कि पीछे आपको मिलता है सिमिलिट्रिकल स्प्रिंग्स। और फ्रंट में दोस्तों आपको इसमें मिलता है डिस्क ब्रेक, जो कि पीछे आपको मिलता है ड्रम ब्रेक्स। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर लगा हुआ देखने को मिल जाएगा इसका डीजल टैंक का लॉक। इसका दोस्तों डीजल टैंक कैपेसिटी है 35 लीटर। बात करें गाड़ी के कुछ टेक्निकल फीचर्स के बारे में, इसका दोस्तों व्हील बेस है 2600 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है ऑलमोस्ट 160 से 170 mm, और इसका ग्रेडेबिलिटी है 35%, जो कि 1.5 टन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, जिस वजह से टाटा इंट्रा V50 को आप किसी भी रस्तों पर कंफर्टेबली चला सकते हैं। गाड़ी के ऊपर दोस्तों आपको मिलता है 2 ईयर्स का वारंटी 72,000 किलोमीटर तक। और दोस्तों इसका मिनिमम टर्निंग रेडियस है 6 मीटर, इस वजह से गाड़ी को आप कम जगह पर भी आसानी से टर्न कर सकते हैं। बात करें दोस्तों गाड़ी का लोडिंग कैपेसिटी के बारे में, इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 2,940 kg, कोर वेट जो कि गाड़ी का वजन वो है दोस्तों 1,440 kg, और इसका पेलोड कैपेसिटी है 1,500 kg, या फिर समझ सकते हैं 1.5 टन। गाड़ी में दोस्तों आप आराम से 1.5 टन तक पेलोड ले सकते हैं, क्योंकि इसका कार्गो डेक भी आपको काफ़ी बड़ा मिलता है। इसका कार्गो डेक का लंबाई है दोस्तों 9 फीट 8 इंच, चौड़ाई है दोस्तों 5 फीट 3 इंच। इस वजह से दोस्तों गाड़ी में आप आराम से 1.5 टन तक पेलोड ले सकते हैं। कि दोस्तों इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो बहुत ही पावरफुल इंजन है। इसमें लगा हुआ है टाटा मोटर्स का 4 सिलेंडर वाला 1.5 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन DI VA6 सेकेंड जनरेशन बड़ी इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 1,496 cc, जो कि मैक्सिमम 79 SP का पावर जनरेट करता है 4,000 RPM तक। और इसमें आपको मिलता है 220 Nm का टॉर्क, जो कि 1,750 RPM से 2,500 RPM तक टॉर्क इसमें जनरेट करता है। और इसका एवरेज माइलेज आपको 15 से 16 km/L तक मिल जाएगा। ये था दोस्तों गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर। चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो दोस्तों इसके को पायलट साइड डोर को ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर टाटा का बैजिंग देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा सा बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा। गाड़ी में दोस्तों चढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर आपको पुश्टे मिलता है, और यहाँ पर गाड़ी में चढ़ने के लिए आपको ग्रैब हैंडल्स भी प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों इसका सीट्स आपको काफ़ी यहाँ पर कमाल का मिलता है, और इस पर ड्राइवर साइड और कोपायलट साइड दोनों साइड में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलता है। सीट का क्वालिटी भी दोस्तों आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगा, और दोस्तों इसका लेग रूम भी दोस्तों आपको इसमें काफ़ी कंफर्टेबल मिलता है। और यदि आप दोस्तों आप गाड़ी में कुछ जरूरी सामान रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर लॉकेबल ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है। गाड़ी में आपको भरपूर स्टोरेज ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप छोटे मोटे सामान आराम से रख पाएंगे। फ्रंट डैशबोर्ड में भी आप छोटे मोटे सामान यहाँ पर इजीली रख सकते हैं। और यदि आपको एंटरटेनमेंट पसंद है तो फिर आप यहाँ पर चाहे तो म्यूजिक सिस्टम भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट 2.4 का मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। गाड़ी का दोस्तों ट्रांसमिशन है 5 स्पीड, इसमें आपको मिलता है 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर।
और कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि इसका गियर लीवर को सेंट्रल डैशबोर्ड में फिट कर दिया है, जिस वजह से को पैसेंजर का लेगरूम और भी स्पेशियस हो गया है। ड्राइवर सीट के साइड में ही दोस्तों आपको गाड़ी का हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कुशन भी देखने को मिल जाएगा, इस वजह से इस पर ड्राइवर के साथ चाहे तो दोस्तों दो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका सेंटर मिरर और रात में अच्छा विजिबिलिटी पाने के लिए यहाँ पर आपको बॉल टाइप रीडिंग लाइट्स भी देखने को मिल जाता है। इसमें सिर्फ दोस्तों ड्राइवर साइड में ही दिया गया है दोस्तों इसका सन वाइजर, को पैसेंजर साइड में आपको सन वाइजर देखने को नहीं मिलता है। गाड़ी का दोस्तों टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका ड्राइवर साइड एरिया। तो ड्राइवर साइड डोर को भी ओपन करते ही सबसे पहले आपको टाटा का बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर साइड में दोस्तों आपको काफ़ी बड़ा सा बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है और ड्राइवर साइड में दोस्तों ग्रैब हैंडल मिलता है जिसको पकड़ के आप इजीली गाड़ी में चढ़ सकते हैं। दोस्तों इसका ड्राइवर सीट आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलता है और इसका ड्राइवर सीट को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से दोस्तों एडजस्ट कर सकते हैं और इसका स्टेयरिंग व्हील का पोजिशनिंग भी दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है थाइस के ऊपर। इसमें दोस्तों आपको पावर स्टेयरिंग मिलता है, इसमें आपको टाटा का क्रोम फिनिश में लोगो दोस्तों देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ स्विच एंड कंट्रोल देखने को मिलता है। और टाटा इंट्रा V50 का और एक हाईलाइट पॉइंट है कि इसमें आपको इको मोड मिलता है। इको मोड आपको बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देने में मदद करेगा। जब दोस्तों गाड़ी में ज़्यादा लोड नहीं होता है तब आप गाड़ी को इको मोड में शिफ्ट कर सकते हैं, वो गाड़ी को बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। इसमें दोस्तों आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों लगभग टाटा मोटर्स की सभी गाड़ियों में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ चुका है। गाड़ी का टॉप स्पीड है दोस्तों 80 किलोमीटर पर आवर और इसका विंडशील्ड में भी आपको गियर शिफ्टिंग के बारे में दोस्तों इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किया गया है और ड्राइवर सीट के साइड में ही दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा इसका हैंड ब्रेक। दोस्तों मैं यदि आपको ओवरऑल इसका ड्राइवर केबिन के बारे में बताऊं तो इसका ड्राइवर केबिन बहुत स्पेशियस है। पिकअप में जैसा दोस्तों ड्राइवर केबिन चाहिए वो सभी फीचर्स दोस्तों आपको इसमें मिल जाता है। अभी दोस्तों बात करते हैं गाड़ी का और एक इम्पोर्टेंट हिस्से के बारे में जो कि है दोस्तों इसका प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों टाटा इंट्रा V50 का एक्सटर्नल प्राइस स्टार्ट हो जाता है 9,50,000 रुपीज़ से, मगर दोस्तों अभी गाड़ी के ऊपर लगभग 50,000 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है। आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाइए, इसका प्राइसिंग के बारे में पता कीजिए और यदि दोस्तों आप टाटा इंट्रा V50 को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं फिर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे आपका डाउट को क्लियर करने के लिए। ये था दोस्तों इस गाड़ी के बारे में डिटेल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगा, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस गाड़ी का देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।